हेलो चिल्ड्रन, आज हम चार वर्ण वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे जो बेटा आपकी बुक में पेज नंबर 28 पर दिया हुआ है। पेज नंबर 28 पर अभ्यास हमारा दिया हुआ है, उसका क पॉइंट देखेंगे। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। ये जो हमारे वर्ण दिए हुए हैं इनको हमको जोड़ना है और शब्द बनाने हैं। तो बताओ क्या बनेगा? द, म, क्या बना? दम। क, ल, कल। सारा एक साथ क्या बनेगा? ये क्या है हमारा? दम। और ये कल। दम, कल। ठीक है बेटा। अब हमारा दिया हुआ है उ, प, उप। उ, प, उप। और आगे व, न, वन। उप, वन। आगे क, स, कस। क, स, कस। और आगे र, त, रत। कस, रत। क्या बन गया बेटा? कसरत। इधर हमारा दिया हुआ है स, र, सर। स, र, सर। और ये क, ये स। क, स, कस। सर, कस। ऐसे ही आगे ये क्या है? श, श, ल, शल। और ये क्या है? ज, म, ज, म, शल, जम। तो ये हमारा क्या बन गया? शलजम। ये क्या है? अ, ये च, अच, अच। ये क, ये न, क, न, अच, कन। अ, च, अच, क, न, कन। बन गया अच, कन। इस तरह से बेटा नीचे ख पॉइंट देखेंगे। चित्र देखकर शब्द पूरे कीजिए। आपको चित्र को देखना है और ये शब्द जो हमारा आधा लिखा हुआ है और चार वर्ण में से तीन वर्ण लिखे हुए हैं और एक छूटा हुआ है, तो हमको चित्र देखना है, बताना है ये किसका चित्र है और फिर हमको यहाँ पे लिखना है। किसका चित्र है ये बताओ? बर्तन। क्या बेटा? बर्तन। बर किसकी आवाज़ आ रही है? बर, ब, र, बर। और त, न, तन। तो आगे किसकी आवाज आ रही है? ब, ब, र, बर। त, न, तन। बर्तन। इस तरह से हमारा बेटा बना बर्तन। ये क्या है? टम, 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 टम। किसकी आवाज आ रही है? टॉकी, टॉकी आवाज आ रही है ना, तो यहां लिखेंगे ट, ट, म, टम, ट, म, टम, 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 टम। क्या बना बेटा? टम, टम। ये क्या है? शलजम, शलजम। तो हमारे यहाँ क्या आएगा? श, शल, श, ल, शल, ज, म, जम, शल, जम। ये हमारा बना शल, जम, शल, जम। इस तरह से बेटा पहले चित्र देखेंगे, चित्र कौन सा है उसको बार बार बोलेंगे। जब आप चित्र को बार बार बोलोगे तो आपको आवाज़ समझ में आएगी पहला वर्ण किस कौन सा है हमारा, और आप वो लिखोगे।
तो आपको समझ में आएगा। अभी हम ग देखेंगे। ग क्या है? सही वर्ण छांटकर खाली स्थान में भरिए। हमको ये शब्द लिखा हुआ है, इसमें से बीच में एक जगह छुटी हुई है, तो और ये दो वर्ण हमको इधर दिए हुए हैं, जिनमें से एक वर्ण हमको छांट के इधर भरना है। तो द ये छुटा हुआ है, कल कल, तो द के साथ अभी इसको पढ़ो, द म दम, क ल कल, क्या बना? दम कल। और अगर थ को जोड़ो, थ क्या आएगा? द थ दत्त, क ल कल, दत्त खल। दत्त खल तो कुछ नहीं होता है, तो यहाँ क्या आएगा? दम कल। ये वाला वर्ण हम यहाँ भरेंगे, ठीक है? इस तरह से बेटा हमारा बना दमकल। ऐसे ही ग र गर, द, अब इनमें से हमको दोनों में से एक भरना है, ग र गर, द म दम, गर्दम। गर्दम कुछ होता है? नहीं होता है। अब दूसरा पर लगाओ, ग र गर, द न दन, गर दन। गर्दन तो होता है ना, हमारी गर्दन होती है ना, हाँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे न, गर्दन। तो हमारा ये वाला वर्ण हमने यहाँ भरा। ऐसे ही नीचे तर, अब ये यहाँ पे देखो, तरकस, तरकस नहीं होता है, तरकश होता है, तरकश होता है ना, हाँ। तो इधर हम लिखेंगे श, तरकश। इस तरह से बेटा इधर खट खट, और म और व में से हमें इधर भरना है खट, म लगाओ, ख ट खट, और म ल मल, खट मल, खट मल तो ठीक है। और अभी व लगा के देखो क्या बनता है, ख ट खट, और व ल वल, खट वल, खट वल तो नहीं होता है। तो हमारे इधर क्या आएगा? म, खट मल। ऐसे इधर इधर क और इधर रत, स और श, श और श में से किसका वर्ण है, कौन से वर्ण की आवाज़ आ रही है वो देखेंगे, कस रत। तो इधर क्या आएगा? स, कस रत, कश रत नहीं होता है, कसरत होता है, तो इसलिए हमारा स इधर आएगा। इधर ल, इसको नीचे वाले को इधर छोड़ देंगे, अभी ये पढ़ेंगे हम, जम जम, शलजम या सलजम, सलजम नहीं होता, शलजम होता है। तो हम इधर ये वाला इधर लिखेंगे, इधर बेटा ये लिखेंगे, ठीक है? इस तरह से बेटा हम ये वाला काम अपना कॉपी में भी करेंगे और बुक में भी करेंगे, ठीक है? आज की डेट डालेंगे और साफ साफ अच्छा अच्छा लिखेंगे। ओके बाय।